हेलो मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन मित्रों चलिए हम लड्डू लाला जी का श्रृंगार कर देते हैं। तो मित्रों आइए, लड्डू लाला का श्रृंगार कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे लड्डू लाला है, अभी इनको स्नान कराऊंगा और उसके बाद उनका सुंदर से श्रृंगार करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर ड्रेस लड्डू लाला को पहना देते हैं। मित्रों, मेरे व्यूअर्स ने पूछा था कि एकादशी वाले दिन कौन सा रंग भगवान को पहनाना चाहिए। तो मित्रों आप जानते हैं एकादशी विष्णु जी और नारायण जी का दिन होता है, तो आप मुख्यतः पीले रंग के वस्त्र अपने लड्डू लाला को पहना सकते हैं। तो मित्रों मैं सुंदर सा पीले रंग का वस्त्र अपने लड्डू लाला को पहना रहा हूँ और उनका सुंदर श्रृंगार करने वाला हूँ, जो कि एक और अब ये सुंदर सा हार लड्डू लाला को पहना देते हैं। हाथ में कंगन धारण करा देंगे सुंदर से। तो ये मैं इनको कंगन धारण करा देता हूँ और ये वाला कंगन, और तो ये सुंदर सी पग में लड्डू लाला को धारण करा देता हूँ। और ये मित्रों देख सकते हैं लड्डू लाला ने सुंदर सी पग धारण कर ली है और अब इनको मुरली दे देते हैं हाथ में। तो ये मैंने सुंदर सी मुरली रख दी है। तो मित्रों देख सकते हैं लड्डू लाला एकादशी के लिए तैयार हो गए, अपने छोटे लड्डू लाला को तैयार करेंगे। तो मित्रों एकादशी श्रृंगार हम लोगों ने कर लिया है, आप देख सकते हैं लड्डू लाला को मैंने पीले वस्त्र धारण करा दिए हैं। एकादशी वाले दिन आप पीले वस्त्र लड्डू लाला को धारण करा सकते हैं। तो मित्रों ये मेरे बड़े लड्डू लाला हैं जो कि सुंदर रूप में विराजित हो गए हैं, और ये मेरे छोटे लड्डू लाला हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, इन्होंने भी पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब हम उनकी एकादशी की पूजा करेंगे। तो मित्रों एकादशी श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक राधे।